हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 7 अगस्त को राखी पूर्णिमा है, सावन का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन का पर्व के साथ साथ दोस्तों चंद्र ग्रहण भी है। इस दिन आखिरी सोमवार होने के कारण पूरा माहौल शिवमय होने वाला है और साथ ही रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो ग्रहण लगेगा उसकी वजह से, जो भद्रा लगेगी उसके वजह से राखी बांधने के लिए हमारे पास बहुत ही थोड़ा सा समय रह जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने वाली है और इस दिन चंद्र ग्रहण है, भद्रा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है समय का कि जब सूतक लगे, जब भद्रा लगे उस पीरियड में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अगर आप सून जमाते हैं तो भी और राखी बांधने के लिए भी सिर्फ आपको 1.5 घंटे मिलेंगे दोस्तों, और सूतक और भद्रा दोनों में भी ही आपको कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है ये ध्यान रखें, और सोमवार के दिन सुबह के समय भद्रा का प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण रात को 10:43 से शुरू होने वाला है और इसका मोक्ष काल देर रात 12:48 तक रहने वाला है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी दोपहर को 1:53 पर सूतक लग जाएगा। सुबह 11:00 तक भद्रा का असर रहेगा, इसलिए आपके पास राखी बांधने के लिए सिर्फ 11:05 से आप राखी बांध सकते हैं दोपहर को 1:52 तक, यानी कि करीब करीब 3 घंटे का समय आपके लिए रहेगा दोस्तों शुभ। और ध्यान रखें जो भी पूजा पाठ आदि आपको करनी है वो दोपहर को 1:53 के पहले तक पूरी कर लें। भगवान आदि को शयन भी करा दें, पर्दे दे दें। और दोस्तों ध्यान रखें रक्षाबंधन का पर ग्रहण का ये संयोग करीब 12 साल के बाद बन रहा है। इससे पहले वर्ष 2005 में रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगा था और इस बार ग्रहण की अवधि कुल 1:55 की रहने वाली है। दोस्तों, चंद्र ग्रास पूर्ण ना होकर खंड ग्रास होगा, आंशिक रूप से दिखाई देगा और भारत के समेत एशिया के बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका आदि में भी दिखाई देने वाला है। दोस्तों, बहुत ध्यान रखें कि ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, ग्रहण में सूतक और ग्रहण काल में खाना पीना, संभोग आदि करना बहुत वर्जित होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ग्रहण काल में सोना, मूत्र त्यागना या तेल आदि स्नान करना ये भी निषिद्ध होते हैं। ग्रहण काल में जो भी सूतक होता है उसमें जो बालक होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनके लिए खाना पीना सोना निषेध नहीं है। बाकी पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी, फल आदि ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन तेल या घी में पका हुआ अन्न, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा, इन सब में अगर आप तिल या कुशा रख देते हैं तो ये पदार्थ दूषित नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका ग्रहण शुरू होने वाला हो उसके पहले थोड़ी सी कुशा आप इन सब चीज़ों में रख दें तो उसमें छूतक नहीं लगेगा। दोस्तों, कुशा आपको किसी भी मंदिर से मिल जाती है। आप किसी भी आसपास के मंदिर पे जाइए और वहाँ से कुशा ला के रख दीजिए। अगर आपको कुशा नहीं मिलती है तो आप काले तिल भी रख सकते हैं, उससे भी छूतक नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है ग्रहण काल में आप कोई भी मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपको शीघ्र फलदायी देता है। स्पेशली महामृत्युंजय का जप सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला होता है। श्रावण मास चल रहा है दोस्तों, वैसे भी कोई भी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र जप करना चाहें तो इस समय में करें, ये ग्रहण काल में करें और इसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, ग्रहण काल में ऐसा माना जाता है गर्भवती महिलाओं को दरवाजे से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। उनकी जो रेज पड़ती है ग्रहण की वो बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु हाथ में नहीं लेनी चाहिए या छूना चाहिए। इवन जैसे सब्जी काटना, सीना पिरोना, इवन
माना जाता है अगर आपके बाथरूम का हैंडल मेटल का है तो उसको भी खोल के वॉशरूम तक नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल में गर्भ नहीं ठहरना चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो जन्म लेने वाला बालक अच्छा नहीं होता है। और ध्यान रखें, जब भी ग्रहण काल के बाद में आपका संपूर्ण हो जाए ग्रहण, तो उसके बाद सभी को परिवार सहित स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के लिए बाद में जो आप कपड़े पहनेंगे उसको पहले ही, ग्रहण लगने के पूर्व ही कहीं पे एक, कम से कम एक व्यक्ति के कपड़े आप निकाल के पहले रख दें, ताकि वो छुआछूत ना हो, और उन कपड़ों पे आप थोड़ी सी कुशा या काले तिल ज़रूर रख दें। ग्रहण काल में कोई भी मंत्र जप करेंगे दोस्तों तो बहुत अति शीघ्र फलदायी है, और सावन का पवित्र महीना है, ऐसे में आप महामृत्युंजय जप ना भी करें तो सिर्फ ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी प्रकार के शत्रु निवारण होते हैं, मन की अशांति दूर होती है, जीवन में अगर क्लेश हो तो वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ग्रहण के बारे में हमें बचपन में ही स्कूल्स में बता दिया जाता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दो होते हैं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही एक्लिप्स, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में सन लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, दोस्तों आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, एक तरह की खगोलीय स्थिति है जिसमें चंद्रमा, इसमें क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हुए तीनों एक रेखा में आ जाते, सीधी लाइन में आ जाते हैं, जब पृथ्वी यानी कि हमारी जो अर्थ है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, और चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, और ऐसा सिर्फ पूर्णिमा को हो सकता है, इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही आता है। राखी कब आती है दोस्तों? हमारी पूर्णिमा को आती है, इसलिए चंद्र ग्रहण राखी पूर्णिमा पर है। वहीं सूर्य ग्रहण जो होता है उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जो कि अमावस्या को संभव है। दोस्तों, ब्रह्मांड में घटने वाली ये घटना खगोलीय तो है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत तरह की बातें होती है, शगुन अपशगुन आदि लोग इसको मानते हैं। माना जाता है कि सभी 12 राशियों पर ग्रहण का बहुत ही कड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस बार आपको भी पता होगा चंद्र ग्रहण दो बार लगा, एक बार हमने बात की थी चंद्र ग्रहण की 11 फरवरी को लगी थी, और अब ये दूसरा चंद्र ग्रहण 7 अगस्त को लग रहा है दोस्तों, और ये आंशिक या यूं कहें खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। सोमवार के दिन इस ग्रहण के लगने के कारण इसे चूड़ामणि चंद्र ग्रहण भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, इस ग्रहण से चंद्र बिंब का दक्षिणी भाग ग्रहण ग्रस्त होगा, याद रखें, और आपको मैंने बता दिया 10:53 पर ये स्टार्ट होगा और 12:50 पर ग्रहण का अंत हो जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के 1:57 की है। दोस्तों, ये ध्यान रखें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बुज़ुर्ग रोगी और बच्चों को छोड़कर सभी सदस्य, कोई भी सदस्य भोजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती स्त्रियों को अंदर रखना ही है, और ग्रहण के दौरान जो वातावरण में नेगेटिव एनर्जी का संचार हो रहा होता है, इसलिए सभी कोई को ऐसा माना जाता है घर में रह करके मंत्र उच्चारण करना चाहिए, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। ग्रहण वाले दिन आपको कोई भी नई डीलिंग, कोई भी अगर बिजनेस डील आप करना चाह रहे हैं दोस्तों, नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य कोई भी ग्रहण के दिन कोई नया काम ना करें, इस दिन अपने मन में दुर्विचारों को ना पनपने दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और अपने आराध्य देव या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका आप ध्यान करें। दोस्तों, जिन जातकों की कुंडली में शनि की 7.5 है या ढैया है, या शनि जैसे अभी सबके कई राशियों पे, मैंने 5 राशि पे बताया था शनि की कुदृष्टि चल रही है, तो ऐसे में शनि मंत्र का जाप करें। सिंपल सा शनि मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका जप करें, और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करें। दोस्तों, जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष है वे इसके निवारण के लिए चंद्र ग्रहण के दिन सुंदर कांड का पाठ करें, तो इससे आपको पॉजिटिव फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपकी सारी मुसीबतें, ऐसा माना जाता है पाठ के कई गुना ज़्यादा फल मिलते हैं।
ग्रहण पूर्ण होने के बाद जो कपड़े, ऐसा माना जाता है ग्रहण काल में पुराने कपड़े थोड़े पहन लेने चाहिए। अगर आप दान करना चाहते हैं उन कपड़ों का, तो थोड़े पुराने कपड़े पहन लें और ग्रहण पूर्ण होने के बाद उन कपड़ों को आप अलग एक पैकेट में भर के रख दें। रात का समय है, आप डोनेट नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जा करके उस पैकेट को पहले रात में ही आप घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कोई ले जाए वो कपड़े तो ले जाने दें, कोई बात नहीं है, आप घर के दरवाजे के बाहर रखें और सुबह वो कपड़े जाकर के किसी भी गरीबों में बांट दें। दोस्तों, इसके अलावा आप आटा, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, साबुत उड़द की दाल, काला तिल, काला वस्त्र आदि भी किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों का अशुभ फल समाप्त करने और विशेष मंत्र सिद्धि के लिए इस दिन नवग्रह मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि कई तरह के मंत्र, जो भी इष्ट देव में आप मान्यता रखते हैं उनके शुभ मंत्रों का जप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और कुछ नहीं तो श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करें या पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष आदि का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत खूबसूरत चंद्र ग्रहण है, एक माना जाता है, हो सकता है इसके कुछ ज्योतिष नुकसान भी हो सकते हैं। माना जाता है कि ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है इसकी वजह से कई लोगों के जीवन में कलह भी उत्पन्न हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पे भी उथल पुथल हो सकती है, बाढ़ आदि के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, प्रलय भी आने के चांसेस होते हैं, ये थोड़ा सा कड़ा चंद्र ग्रहण है तो ध्यान रखें। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण में आप सभी को छोटे छोटे उपाय कर लेने हैं। सूतक के पहले आपको पर्दे दे देने भगवान के, सुबह सुबह दोपहर को 1:53 तक लास्ट आप पूजा पाठ करके भगवान के पर्दे लगा दें, उसके बाद पूजा पाठ ना करें। और रात को जब चंद्र ग्रहण शुद्ध हो जाए उस समय आपको स्नान ज़रूर करना है, जिनकी तबीयत खराब है वो ना करें, हाथ मुंह पोंछ लें कम से कम और वस्त्र अपने कम से कम बदल लें। दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय और इस इन्फॉर्मेशन को कि क्या करना है हमें इस चंद्र ग्रहण पर, राखी कितने बजे बंधेगी मैंने सारे डिटेल्स बताए हैं, तो ये उपाय और ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, सभी से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ा एक वो होने वाला है, हमारे हिंदुइज्म में बहुत बड़ा दिन आने वाला है और हम सबको जानना चाहिए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ आप मुझे ईमेल करें, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, राखी का पवित्र दिन है, राखी बांधना है, बहनों को भाइयों की कलाई पे राखी बांधनी है, भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, आप सभी को इसकी एडवांस में बधाई। आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।